नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज शाजापुर में देवास शाजापुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने कलेक्टर कार्यालय में आज अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार भी भाजपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत ही बेहतर स्थिति में है और वो इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेगी। बस स्टैंड स्थित आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव में भाजपा लगभग सभी सीटें जीत रही है। जिस तरह से भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब की बार देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी पिछले जीत का रिकॉर्ड तोड़कर अपने प्रतिद्वंदी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। आज शाजापुर देवास लोकसभा सीट के निर्वाचन फॉर्म भराने के लिए मैं यहां आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरा प्रदेश में मोदीमय माहौल है जैसा चारों तरफ का वातावरण दिख रहा है। पहले चरण का तो वोटिंग भी हो चुका, जिस ढंग से हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, प्रशासन की हमारी अपनी व्यवस्था मुस्तैदी से लगी, पूरा प्रदेश भाजपा में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 29 लोकसभा जीतेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।